उत्तराखंड में वर्ष भर पर्यटकों और तीर्थयात्रियों की आवाजाही लगी रहती है और ऐसे में प्रदेश सरकार यातायात जाम की समस्या से निपटने के लिए सड़क चौड़ीकरण के साथ ही प्रमुख तीर्थों, शहरों और पर्यटन स्थलों पर पार्किंग स्थलों का निर्माण कर रही है। बता दें, वर्तमान में विभिन्न विकास प्राधिकरणों के जरिए यहाँ पर 182 स्थानों पर 15,000 से अधिक वाहनों की पार्किंग सुविधा तैयार की जा रही है, जिसमें से 34 जगह पार्किंग स्थल तैयार हो चुके हैं। और इसी को लेकर एमडीडीए उपाध्यक्ष वंशीधर तिवारी ने यह बताया कि ऋषिकेश और देहरादून में 2,000 गाड़ियों की पार्किंग बना रहा है और इसके अलावा पूरे प्रदेश में अलग अलग विभागों और विकास प्राधिकरण द्वारा पार्किंग बनाई जा रही है, जिससे कि पार्किंग की समस्या का समाधान किया जा सके। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। नहीं, देखिए, पूरे प्रदेश में पार्किंग बनाई जा रही है अलग अलग विभागों के द्वारा, अलग अलग विकास प्राधिकरणों के द्वारा। देहरादून में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा एक पार्किंग हम लोग ऋषिकेश में बना रहे हैं, और जिसमें लगभग 1200 गाड़ियों की पार्किंग होगी। और एक पार्किंग हम देहरादून में बना रहे हैं जो पुरानी तहसील हमारी रही है वहाँ पर। तो पार्किंग की समस्या के समाधान के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं।